दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन में जो वॉच वीडियो का ऑप्शन आता है ऊपर की साइड, उसको किस तरह से एनेबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड होम आपको देखने को मिल रहा है, फ्रेंड वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह के सब आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको वॉच वीडियो का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपकी भी फेसबुक की एप्लीकेशन में आपके होम पेज पर इस तरह का वॉच वीडियो का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, उसको आप यहाँ पे किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसी का प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपने फेसबुक की होम स्क्रीन पर वॉच वीडियो के ऑप्शन को ऐड करने के लिए आपको करना क्या होगी, सबसे पहले तो आपको अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको जो थ्री डॉट का ऑप्शन होता है इस पर टैप करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग एंड प्राइवेसी। सिंपली आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। इस पर टैप करने के बाद आपके सामने फिर से काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, आपको सिंपली सेटिंग्स पे टैप कर देना है। सेटिंग पे टैप करेंगे तो आपकी फेसबुक की सारी सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे कि अकाउंट सेटिंग, स्क्रॉल डाउन करेंगे सिक्योरिटी वाली सेटिंग मिल जाएगी, इसके नीचे आपको प्राइवेसी मिल जाएगी, इसके अलावा यहाँ पर आपकी फेसबुक इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे की साइड में आ जाना है और नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शॉर्टकट्स का। शॉर्टकट्स वाले ऑप्शन में आपको शॉर्टकट बार का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको टैप करके ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा वॉच का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिसेबल है। सिंपली आपको इसको यहाँ से एनेबल कर देना है, यानी कि ऑन कर देना है। अब चलिए मैं आपको यहाँ से बैक लेके दिखाता हूँ कि हमारी फेसबुक की होम स्क्रीन पर वॉच वीडियो का ऑप्शन ऐड हुआ या नहीं। चलिए बैक लेते हैं और अपनी होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे वॉच वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे एनेबल हो चुका है और अब आप यहाँ से डायरेक्ट इस पर टैप करके वीडियोज वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपकी भी फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर वॉच वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होता है तो इस प्रोसेस से आप उसको एनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।